हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, परेशान होकर तेजस्वी की मां ने दी करण को तेजस्वी की बड़ी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी दी है, चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट पर। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, तेजस्वी अपने काम में पूरी तरह से खोई हुई है। नागिन 6 की शूटिंग के लिए ना वो दिन देखती है ना वो रात देखती है। बस उनका एक ही मकसद है, किसी तरह से नागिन 6 नंबर 1 शो बन जाए। और यही वजह है कि तेजस्वी सुबह के 4-4 बजे तक अब नागिन 6 का शूट करती हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर अब तेजस्वी की मां बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तेजस्वी प्रकाश सुबह 4 बजे शूटिंग को ख़त्म कर अकेली घर आएं। और उनको तेजस्वी की अब चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब तेजस्वी की करण कुंद्रा को दे दी है और करण से कह दिया है कि तुमको ही इसको संभालना है, तुमको ही इसका ख्याल रखना है, तुम ही अब इसको सुबह रोज शूट पर से लेकर आओगे। यही वजह है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जहां पर तेजस्वी प्रकाश गाड़ी चला रही थी, पूरे जोश में थी सुबह के 4:30 बजे और करण कुंद्रा की हालत टाइट हो रही थी, क्योंकि वो नींद में गाड़ी चला कर तेजस्वी को पिक करने गए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तेजस्वी को भी करण से काफ़ी प्यार है और उनको भी गर्व है कि इतनी सुबह, क्योंकि सुबह 4 बजे दिन माना जाता है और करण कुंद्रा उठकर अपनी नींद को खराब कर तेजस्वी को लेने गए। वेल, अब एक ही दिन नहीं, करण कुंद्रा रोज तेजस्वी को इसी तरह से सुबह 4:30 बजे लेने जाया करेंगे, क्योंकि करण की ड्यूटी लग चुकी है। भाई, कौन बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, एक पति ही अपनी पत्नी का इस तरह से ख्याल रख सकता है। और एक माँ अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी लड़के को तभी सौंपती है जब वो अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे रही हो। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।